तो ये भेजा है आपने क्वेश्चन जी, जी सर। कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा किसके इक्वल हो सकता है, और एक आपने भेजा है सर जी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा वाई बी टेन थीटा, देन ये वाले दो। चलो जी सर। देखो जी वन बाय वन, पहला हमारे पास क्या है बच्चे, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको नजर आ जाए। आपके पास पहला क्वेश्चन है कॉस 4 थीटा क्या रहा है? अरे जगत लैपटॉप का चार्जर में ही रह गया। कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा किसके इक्वल होगा ये कह रहा है, ठीक सर कॉट 4 ठीक है? है। कॉट है ना सर, कॉट सर कॉट क्या है? क्वेश्चन में कॉट लिख। क्वेश्चन में कॉट लिख सर साइन कॉस ही है, साइन है सर। होना चाहिए, फिर तो कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है? फिर तो कोई सा भी आंसर नहीं आएगा, फिर तो नन ऑफ दीज कर दिए, सीधा सीधा सा जो लास्ट वाला ऑप्शन है फिर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हेलो जी यार, अगर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं तो फिर कॉल की नहीं, पूछने की बात नहीं है ना, पोर्ट कराना था तो फिर आपको सिम तो लेके आना है, नया से क्या मतलब, मैंने दिया था उसमें एड्रेस, कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, कॉल कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से? मालवीय नगर। ये सर अबुल फजल में पड़ेगा, ओखला दे ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, जामिया से नेक्स्ट वाला। भाई मैंने सारा कुछ भेजा है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप कॉल कर रहे हो, आप लोग इन्फॉर्मेशन लेते नहीं हो, दो कॉल आ चुके हैं सुबह से, तो आ जाइए सर, एड्रेस दिया हुआ है आपको, मालूम है आप गूगल करो मिल जाएगा, बहुत नाम का एकेडमी है, ऐसी बात नहीं। देखिए अगर ये नहीं है तो उसे नन ऑफ दीज कर दीजिए, ऑप्शन हो सकता है क्योंकि उसमें नन ऑफ दीज दिया हुआ है। अगर कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा है तो सीधा सीधा सा कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है जी? वन होता है सर, वन तो ये बन जाएगा। अब हमारे पास रह गया सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन में आपके पास ये भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ऑप्शन में जो आपको दिया है वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें फर्दर, हम कर सकते हैं कि किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो कॉस को चेंज कर सकते हैं या साइन को। कॉस को कैसे चेंज करेंगे, कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और ये साइन एज इट इज, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। दूसरा हमारे पास क्या है, हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस है बीच में, साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक कॉस स्क्वायर ये है एक कॉस स्क्वायर ये है, कितने कॉस स्क्वायर हो जाएंगे टू टू क्रॉस स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, मैं अगर आपको बताऊं एक फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये तीनों एक ही हैं, तो फॉर्मूला कॉस टू तो ही है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास है। तो जब हमारे पास ये बचा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी किया जा सकता है और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी किया जा सकता है। तो जैसे हमारे पास ये ऑप्शन था कि भाई कॉस फोर थीटा कॉट फोर थीटा माइनस साइन फोर थीटा, तो या तो ये हो सकता है वन माइनस टू कॉस स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहाँ कॉट ही है तो फिर ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज है। आगे समझ में? यस सर। तो पहला तो आपके पास था, दूसरा हमारे पास क्या था सर? एक्स इज, ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, एक्स इज इक्वल टू ए दिया जी, एक्स इज इक्वल टू ए ए साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा। ये हमें दिया हुआ है और हमसे कह क्या रहा है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। यस, अब इसमें करना क्या होता है आप सब बच्चों को ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास ये गिवन है और हमें ये चाहिए, तो पहले तो कहीं से बताओ a अपॉन x क्या होगा, 1 by sin, ठीक है sin, देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है x is equals to a sin theta, तो आप x को इधर लाओ sin को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin equals to a sin, yes or no? 1 अपॉन sin क्या होता है, वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब यहां से भी बी अपॉन वाई ले लो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन और ये हो जाएगा बी अपॉन वाई, तो वन अपॉन टेन क्या होता है जी, कॉट कॉट। तो जरा इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस करना, इसको और इसको, तो इनको स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्या होता है जी, अबे क्या होता है कॉसक स्क्वायर, बस इतना सा है। क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी, अगर आप लोग म्यूट करोगे पीछे से जो आवाज आ रही है या मैं आपको रिमूव कर दूं सर, थोड़ा सा तो ध्यान करिए, आज कर रहे हैं तो हाँ जी। और कौन सा क्वेश्चन था, देखो अब आवाज सही आई, यस सर। चलो सर देखो, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, ये तो हो गया, दोनों तो हो गए, और क्या चाहिए था बस जी। किसी और के पास कोई और क्वेश्चन? यस सर है, उसका आंसर है, सही नहीं भेज रहा हूँ सर, एक क्वेश्चन जल्दी से डाल तो फिर तुम देर करते हो। भेजे हुआ सर। चलो जी देखो नया सा कुछ देखो सर, क्या
कौन सा क्वेश्चन है जी? चार छह क्वेश्चन एक साथ भेज देते हो, क्वेश्चन नंबर 60 क्रॉप करके भेज देनी हूँ। क्या करूं 60 में है जी? तो मेरा सर आंसर सही नहीं निकल पा रहा है इसका ऑप्शन के मुताबिक। अब क्या करें कि नहीं निकल पा रहा? हमारे पास क्या है सर जी? साइन 60। चलो मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, बहुत बड़ा हो गया है। बोलिए क्या क्वेश्चन है? साइन स्क्वायर 60। एक मिनट से बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो सर। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बोलो, प्लस कॉट स्क्वायर 45 बोलो, प्लस एक स्क्वायर 60 चलो, माइनस कॉस एक स्क्वायर 30 चलो, प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री cos स्क्वायर 0 डिग्री बस बस या कुछ और? बस इतना ही सर। चलो जी, हमारे पास क्या क्या है सर? साइन स्क्वायर 60 है, पहली बात तो ये कि सारे वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, सीधी सीधी वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाए, कुछ सोचना ही नहीं है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। स्क्वायर कितना होगा? 3/4। cos 30 कितना होता है? 3/4। cot 45 कितना होता है? 1। sec 60 कितना होता है? 2। 4 हो जाएगा सर। cos 30 + 1। अरे cos 30 कितना होता है सर? 2 होता है। 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। अब इसमें क्या करना था सर? मैं 27/4 आ रहा है। क्यों? 6/4 एक है, 2 एक है, 27 कहां से आ गया? सर मैं सब का यानी के ही कर रहा था जो। किसी तरह से भी कर लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? यहां 4 LCM है, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर इसमें कुछ करना है? अब अगर आप सॉल्व ही नहीं कर रहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है भाई। कितना आया जी? 7/2। फिर ये रहा 7/2 ऑप्शन है क्या जी सर? तो फिर कहते हैं अच्छी अमीनी, आप सही से लोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो छोड़ो, अब 10-5 मिनट दूसरी चीज देख लो जरा मजे मजे की। ओके सर जी,